सो हेलो, वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। तो एक रोड लेके आ चुका हूँ वापस यार। तो यार के सर्वे इवॉल्व मोबाइल की, तो भाई आज की एमआई होने वाली भाई ये वीडियो भाई एकदम ब्रांड न्यू, बिकॉज ये साल हो चुका भाई ख़त्म। तो भाई मुझे बहुत खुशी है। एंड गाइस तो देखो भाई, इधर डोडो आर्मी हमारी तैयार है। एंड आप लोग देख सकते हो कि भाई हम इनकी ब्रीडिंग भी कराएंगे जल्दी, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ, बिकॉज ब्रीडिंग कराने से क्या होगा, तो एक फालतू भाई तोता ही पैदा होगा सर। लेकिन भाई वो उसका म्यूटेंट वर्जन होगा और वर्जन होगा। सो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहली बार तो हमें सामग्री जमा करनी है। एंड तो हाँ गाइस यार, तो मैं देखता हूँ भाई, सबसे पहले तो नार्को एरो चाहिए मेरे को, क्योंकि गाइस रैप्टर को टेम करने के लिए भाई, पहले तो रैप्टर टेम करने वाले हैं, हाँ रैप्टर को ही, तो उसके लिए भाई हमें चाहिए पड़ेगी नार्को एरोज। तो और गाइस नार्को एरोज कैसे बनाते हैं भाई, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। एंड इधर मैं डोडो के अंदर भाई अपना सामान रख रहा हूँ भाई मेन, क्योंकि भाई मेरा मौत का कोई सवाल नहीं भाई, क्योंकि क्या पता भाई कब मेरी मतलब जान चली जाए और मेरा फालतू का ही सामान फालतू में वेस्ट हो जाए अगर मुझे मिला ना, इसलिए मैंने भाई इसके अंदर रख दिया डोडो। तो मेरी डोडो संभाल के रखेगी, इसके भी कोई चांस नहीं है। एंड गाइस इधर पे मैं उगा रहा हूँ भाई, फार्मिंग कर रहा हूँ। तो एंड फार्मिंग के ऊपर भी मैंने बहुत सी बोल रखा कि भाई इधर पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात तो भाई आप लोग बताऊँगा एक वीडियो बना के फार्मिंग कैसे करते हैं, पाइप फिट्स कैसे करते हैं। एंड इधर पर गाइस मैंने थोड़े से भुट्टे ले लिए, क्यों ले लिए भाई, क्योंकि मुझे भूख लगी है। एंड मैं अब इसकी रेसिपी बना के खाऊँगा, एंड वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो उधर सबसे पहले तो मैं सेटिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई अगर आप लोगों का फ़ोन में भाई 865 प्रोसेसर नहीं है ना, तो इस गेम को आप फुल रेजोल्यूशन पर नहीं खेल सकते, जैसे कि मैं बिल्कुल नहीं खेल रहा हूँ। एंड थोड़ी सी सेटिंग्स अच्छी। तो हाँ यार गाइस, तो अभी आप लोग जो देख रहे हो टेबल, तो इसे टेबल को कैसे बनाना है तो इस टेबल के मैं बताऊँगा। तो यार आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है गाइस, तो इधर आपको टेबल भी दिखी जाएगी वैसे, तो ये फ्रेम हाउस है। एंड फ्रेम हाउस मतलब उसका स्ट्रक्चर। और इधर आप लोग देख रहे हो वुडन टेबल, तो इसको खोलने के लिए 13 पॉइंट चाहिए पड़ेंगे, 13 XP पॉइंट्स। तो उसके बाद आपको भाई कुर्सी के बल इसके साथ ये फ्री मिल जाएगा। एंड इधर एक लेज़र एंटीडोट खोल लेता हूँ, क्या काम का है बट आई डोंट नो भाई, मैंने यूज़ नहीं किया आज से पहले, वरना इसके बारे में वीडियो देगी, बट कुछ काम की चीज़ होगी। एंड इधर हमें अपने विंटर वाले कपड़े खोलने हैं, क्योंकि भाई ये आदमी जो है ना भाई बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा भाई मतलब मासूम है, यानी कि इसको ठंड लगती है अपन जैसी लाइक ए ह्यूमन। तो यार इधर देखो गाइस, इधर नॉकरैक राइफल और जी स्टार्टिंग सूट, तो मैंने अगले एपिसोड में खुला था जब अपन ने किया था अपना मामू पेट्राडोन। तो यार ठीक है, तब बता दिया। अब क्या करना है गाइस, सबसे पहली बात तो नार्को बनानी है। तो यार गाइस बहुत ही आसान भाई नार्को टेक बनाना है यार। तो भाई नार्को के लिए बस पांच आपको नार्को बेरी चाहिए पड़ेंगी, एंड एक स्पॉइल मीट जो सड़ चुका होगा। एंड गाइस अभी हम लोग की भाई बन रही हैं, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, जल्दी से जाता हूँ भाई ऊपर। एंड अब देखने जाते हैं भाई, फाइंड करने जाते हैं भाई हमारा जो रैप्टर है भाई, उसे देखने भाई। और हमें एक अच्छे से लेवल का टेम करना है। और सॉरी गाइस, मैं थोड़ा बहुत ही मतलब गाइस आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बताता नहीं हूँ, मतलब खुद ही खुद बाबला रहता रहता हूँ। तो यार गाइस देखो, इधर पे मैंने एक पोल बनाया है, और गाइस इधर पे मेरी हरकत है देखो, क्या मैं स्पाइडर उनकी लेवल देख रहा था, क्योंकि मेरे पास 301 लेवल यानी 301 लेवल का इतना ओपी लेवल का पेट्राडोन है, फिर भी मैं दूसरे पेट्राडोन के ऊपर पड़ा हूँ भाई, कब मानेगा ड्रैगो तू। तो यार ठीक है गाइस, तो मैं देखने बताता हूँ आप लोग को इसकी एक खासियत है, कि उसकी कोई खासियत नहीं है, क्योंकि आऊँ गाइस। और आज तो भाई एक भी भाई इधर पर मतलब हमेशा एक या दो भाई पंगे लेते रहते हैं हमेशा भाई रैप्टर्स। तो रैप्टर भैया नहीं दिख रहा है यार तुम, रैप्टर मामू। तो यार देखो गाइस, इसकी मैं एक स्पेशलिटी बताता हूँ। तो यार अगर आप देखो गाइस ऊपर लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड अगर आप ऐसे करते हो ऊँचा, तो भाई वो कंट्रोल में होता है, बट मेरा राइट हैंड है तो राइट मतलब जो फिंगर रहती है वो ऐसे करनी पड़ेगी आपको, तो जैसे ऊपर करनी पड़ेगी। तो गाइस ये उठा लेगा मतलब शिफ्ट कर लेगा, किसी से उठा लेगा। तो इधर भाई इधर हो रही थी लड़ाई यार, तो मैं देखने जा रहा हूँ यार इधर पे। अरे भाई क्या पंगे लेने लगे हो भाई, ओके ट्राई सेपरेटॉप्स, ओ भाई ये कुक ने ख़त्म कर डाला, और ये भाई लापरवाही का नतीजा देखा ना आपने, लापरवाही का नतीजा यार। अरे भाई छोड़ दे यार, भाई छोड़ दे, मैं क्या करूँ यार भाई छोड़। तो यार गाइस पूरा भाई आर्मर का तबाह कर दिया भाई, पूरा कबाड़ा काम हो गया भाई हमारा। तो अब मुझे भागना पड़ेगा इनसे, डर गए। और एक और रैप्टर कहाँ गया, अरे वो भाई वो पंगे लेने लगे। एंड इधर पे भाई मैं इनको विजल दे रहा था, विजल तो टारगेट की विजल, तो मैंने इसे पैसे पे करके फॉलो कर दिया, क्योंकि गाइस मुझे भाई अब फालतू का डैमेज नहीं दिलवाना। और इधर थेरेजीरोसोरस घूम रहा है भाई, मतलब भाई क्या कहूँ यार भाई, अब तो भाई मुझे ऐसा लगता है मैं मर ना जाऊँ। तो उधर पर गाइस देखो यार, ये रैप्टर मेरी तरफ आ रहा था, बट यार मैंने देखो जंप लगा के ऐसा इसके ऊपर जो छलांग लगाए नहीं है भाई, उसके लिए भाई एक लाइक कर देना आप ज़रूर ज़रूर। तो बाय बाय टाटा बाय बाय रैप्टर। एंड गाइस अब मैं इसको टाटा बाय बाय तो नहीं कहने वाला था, मैं से देखने जैसे ही जा रहा था, तो भाई किसी पंगे लेने के दोहरे पड़ते हैं, तो ये चला गया अपने पैरस और भाई के साथ, तो ये हो गया कबाड़ा इनके साथ। तो हाँ यार मैं इधर उधर देख रहा था, तो भाई तीन
तीन रैप्टर भाई, तीन रैप्टर तो मैं इनको देखने लगा। एक बाइनोकुलर से, एक 60 लेवल का गाइस, इसकी 320 भाई हेल्थ है एंड इसकी अराउंड भाई 320 इतनी है भाई। और ये एक और रैप्टर भाई ओपी भाई 170 यार, मुझे इसे टेम करना है भाई। क्या है, फीमेल है मेल है आई डोंट केयर, बट मुझे भाई चाहिए भाई, मुझे चाहिए। और गाइस मुझे इनमें से दो को मारना पड़ेगा। मेरा असेंडेंट का एक तो एरो है भाई, उससे मार दूंगा, उसका 381 ओपी वाला डैमेज है, जिससे कि भाई इन दोनों का पत्ता यानी कि ये पहुंच जाएंगे भाई ऊपर वाले के पास, जहां पहुंचे भाई वो मुझे उससे गया। मैं तो भाई करने से मतलब तो यार ठीक है, मैंने तब बेवकूफ़ी से मैं गिर गया। अब गाइस मुझे क्लियर करने हैं भाई जो मेरे काम के रैप्टर नहीं है, जो मेरी काम के बीच में गाइस मुझे परेशान करें। तो हाँ यार गाइस इनको मैं लिपटाने लगता हूँ भाई जब तक यार, क्योंकि भाई जी बावले क्या पता क्यों आ रहे हैं। तो ओके गाइस, ये वो तो नहीं था भाई, मैंने किसको मार डाला, तो ओके ठीक है मैंने मार दिया। और गाइस एक और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वीडियो लाऊं एक और क्या, हाउ टू मेक एआर के थंबनेल्स। तो यार गाइस देखो मैं आता हूँ और फालतू बातों में भाई मेरा ध्यान चला गया और इधर पे भाई मैंने इसको फंसा दिया। फंस गया भाई तू, आया मज़ा तेरे को। तो यार गाइस अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात मुझे अपने ये लगाने हैं भाई इस पे, और अब मुझे ना इसके सिर में देना है भाई ये कार। तो मैं इसके सिर पे नहीं दूंगा क्योंकि भाई इसकी हेल्थ चली जाएगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसे इतने देर से ढूंढ रहा हूँ गाइस, देर से मतलब मुझे आधा घंटा लगा भाई इसे टेम करने में भी। तो फाइनली भाई हमारा हो चुका भाई क्या बोलते हैं उसे, अनकॉन्शियस। तो ये हो चुका बेहोश, मतलब होश। तो जब तक भाई ये बेहोश है तब तक क्या करते हैं, इसका स्टैट्स देखते हैं। तो भाई 4000 फुट है, यानी कि भाई इसको भूखे होने में भाई मतलब इसको भूखा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ी देर तक, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही है भूखा रखने से क्या होता है, मतलब थोड़ा देर तक, मतलब कहने का मतलब गाइस ये आप जल्दी जल्दी टेम होता है, और वैसे भी गाइस वो टेम उतना ही होता है उतनी मीडियम स्पीड से, बट थोड़ा जल्दी होता है। तो अभी मुझे क्या करना है, इनको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और गाइस मेरी सुसु वाली आवाज़ बहुत आती है, तो भाई उसको इग्नोर करो प्लीज़ गाइस, मैं क्या बताऊँ। तो यार ओपी वाली भाई हमें पैकेक्स मिल चुकी है, चलो हार्वेस्ट कर लेते हैं। अगर गाइस आप इस वाले भाई इसमें बायो में होते हो ना भाई स्पॉन, तो इधर पे आप एक काम कर लेना कहना भाई, इधर पे तार फेंसिंग कर देना वगैरह स्पाइक्स, एंड इधर पे ना आप लोग जी लगा देना। तो इधर आप लोग देख रहे हो मेरा का क्या काम चल रहा है भाई, क्या ही काम चल रहा है। तो इधर भाई मैं अपना आयरन वगैरह पकाता रहता हूँ, तो मैं इधर अपने आयरन मतलब जी पूरे सूट्स को तैयार कर लेता हूँ। एंड इधर गाइस आप लोग को बिल्कुल ही पास में गाइस क्रिस्टल भी मिल जाएंगे, यानी कि आपको फिक्र की कोई बात नहीं है। बट गाइस एक माउंटेन वैली और है भाई जो उससे भी ज़्यादा फेमस है, एंड उससे भी ज़्यादा रिसोर्सेज ऑब्जेडियन जो मेन चीज़ होती है भाई गेम की। तो यार गाइस मैं जाके देख रहा हूँ और उसको अभी खिलाऊंगा भाई मांस मीट। तो इधर पे गाइस एक मैंने फिर से वही गलती दोहराई। तो यार भाई मैं तो भाई मैं नहीं मान सकता गाइस अपनी गलतियों से। तो इसका भाई फूड लेवल बार मतलब थोड़ा हो चुका है और मुझे वेट नहीं हो रहा था, तो मैंने डाल दिया भाई इसके अंदर मीट के कितने परसेंट टेम होगा देखा जाएगा गाइस। तो ये हो रहा था 4.4%। तो यार गाइस एक तो पहली बात ये नॉर्मल मीट है, और गाइस इसको खिलाना था मुझे प्राइम मीट है। जो प्राइम मीट होता है गाइस वो बड़े बड़े क्रीचर्स को मारने मिलता है, ट्राइसेरोप्टर्स को मारने से नहीं मिलता गाइस। अगर आप ब्रोंटो या गाइस एक तरीके से डिप्लोपोसॉरस को मारते हो बड़ा वाला जो आपको धक्का देता रहता है और भाई डैमेज नहीं दे सकता। एंड इधर पे गाइस मैंने 10 एम्बर पॉइंट की ना सुदिंग वाम खरीदी है, तो अब मैं इस पर कर देता हूँ 3x एक्स्ट्रा हो जाएगी। और गाइस अगर मैं ऐसे खाना देने से पहले खिला देता गाइस तो मेरा ना जाने भाई क्या हो जाता, और थोड़ा जल्दी और थोड़ा सा और बढ़ जाता। तो यार चलो गाइस इसके लिए कलेक्ट करने चलते हैं हम भाई प्राइम मीट। ओ थेरिजन तो भाई क्या कर रहा हो भाई, आपका खेल पत्ता ख़त्म कर दिया मैंने, अब आया मज़ा तेरे को। ओ भाई 26% हुआ अभी। तो बैक टू होम यार गाइस, तो इधर मैं लेने आया था भाई असेंडेंट की भाई अपनी सॉर्ड, जिसका डैमेज है भाई 513 हो भाई, क्या ओपी ड्यूरेबिलिटी एंड प्लस डैमेज है गाइस। भाई मैंने लेकिन एक चीटिंग की थी गेम को भाई, मतलब कहने का मतलब मैंने थोड़ी चीटिंग की थी इस तलवार को पाने की गाइस। टेरर बर्ड हंटिंग आप जानते हो, नहीं जानते हो तो गाइस मैं बता दूँ कि भाई आप चाह सकते हो स्क्रबल यूट्यूब चैनल के पास भाई। और ये भी भाई मैं कोई इसका स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ना कि इसे प्रमोट, ना कोई मतलब इसे मतलब प्रमोट कर रहा हूँ। जाके भाई आप इसका चैनल चेक कर सकते हैं भाई, वो उसने बताया भाई कैसे करते हैं। या फिर गाइस मैं और दूसरी वीडियो बनाऊंगा गाइस इसके ऊपर भी, कि हाउ टू कंप्लीट टेरर बर्ड हंटिंग। तो गाइस टेरर बर्ड हंटिंग से आपको भाई शॉट से मारना पड़ता है 3 टेरर बर्ड हंटिंग वाली चिड़िया को, जिससे आपको एक शॉट मिलती है रैंडम। तो मुझे भी रैंडम कपूर वाली 513 डैमेज वाली मिल गई। तो गाइस मैं क्यों लाया हूँ, मैं अब भी हाल आप लोग देखो क्यों लाया हूँ मैं, आप देखो। तो ओके गाइस, तो मैं इधर आया हूँ भाई इस वाली बायोम में, जिसे बोलते हैं तो कीचड़ वाली बायोम। तो इसका नाम तो है नहीं है भाई कोई, तो मैं इसे कीचड़ वाली बायोम बोलूँगा। और इधर फिर रहा भाई हमारा सबसे जहरीला सांप, तो ठीक है सबसे जहरीला। और अब मुझे क्या करना है ना, इसको मारना है भाई इस मामू को, इससे मुझे प्राइम मीट मिलता है, मे भी मिलता होगा।
तो ओके गाइस एक बार में ख़त्म हो गया गाइस, आप लोग देख रहे हो। एंड गाइस इसे देखो गाइस, इसकी हेल्थ देखो गाइस कितनी जल्दी ख़त्म हुआ यार। मतलब गाइस मेरा काम मतलब आसान हो गया। आप देखो गाइस इससे ना क्या होता है, कुल्हाड़ी से करो या पिकैक्स से भाई, पिरामिड आप लोगों को दोनों से मिलेगा। बट आई डोंट नो कि भाई किससे ज़्यादा मिलता है, बट मैंने कर दिया भाई, मेरा हार्वेस्ट कर लिया। एंड टाइटन नोवा का भाई चेस्ट में से देख लेते हैं क्या है भाई, बाद में देखेंगे। गाइस तो मैं आ चुका हूँ भाई वापस, तो यार मैं पूरी स्टैक्स डाल देता हूँ। 68% भाई टीमिंग हो चुकी है भाई हमारी, यानी कि भाई जल्दी टीम होने वाला है। तो यार गाइस मैं यार आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी वीडियो डिले क्यों हो रही है। पहली बात तो भाई ये है कि भाई मैं खेला हूँ अभी AR के PvP सर्वर में। दूसरी बात गाइस ये कि मेरी स्टडी अभी भी चल रही है ज़्यादा, तो इस वक्त मुझे अभी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का भाई देने का, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर लेता हूँ बट यार एडिटिंग में गाइस टाइम लगता है, आप लोगों को खुद ही पता है, इसलिए भाई नहीं बना पाता। तो यार भाई सबसे पहली बात तो यार आप लोग सपोर्ट करो भाई और ज़्यादा, तो और आप भाई बताओ कौन से भाई नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या चीज़ टीम करें, मैं आप लोगों की भाई बता मतलब आप लोग बताओ, मैं वही चीज़ टीम करूँगा। और थैंक यू गाइस फॉर सपोर्ट। तो यार इधर मेरी लेवल अप हो चुकी है भाई, मतलब हमारा कल का लौंडा बन चुका है भाई और शक्तिशाली, कल से और बेहतर। तो ठीक है 85% गाइस, मतलब क्या बताऊँ यार इतनी तेज़ी से होता है ना मिनियर सूदिंग वाम से, एक सूदिंग वाम भी होती है गाइस। गाइस ये थोड़ी भर्ती आ रही है, तो मुझे लगता है गाइस इस बार में टीम हो जाएगा। हाँ गाइस हो गया, तो फाइनली हमारा रैप्टर टीम हो चुका है, रैप्टर मामू। तो यार गाइस बहुत ही तगड़ा वाला रैप्टर है भाई, देखो भाई 2248 लेवल। तो हाँ यार गाइस इसकी 80 लेवल भाई शेडल भी खुलती है, तो आप शेडल खोल सकते हो भाई कम से कम 10 या 8 पॉइंट में, या फिर 70 पॉइंट्स में शायद इसकी सड़क खुल जाती है। तो यार मैं क्या कर देता हूँ और इसके साथ और फूड भर देता हूँ, वेट दे देता हूँ, मेरे पास भी वेट बहुत सारा है। एंड गाइस इसकी अब इसका भाई टेस्ट करना है मुझे, तो एक काम करता हूँ उसे फॉलो पे कर देता हूँ। तो अपना भाई आएगा भाई, अपना भाई एयर ब्रो भाई, तो अब मुझे भाई कुछ अच्छे से डायनो को भाई मारना है। तो यार किसको मारूँ यार भाई, तो यार ये है चलो इसको भी मारें भाई, तो ठीक है ओके। तो गाइस इसका स्पेशल अटैक भाई ये है, तो भाई बहुत ही तगड़ा ओपी वाला अटैक, उधर मच्छर पड़ रहा है भाई, इनको भाई ख़त्म करो भाई, क्या कर रहा हो वो फालतू में उसका पीछा कर रहा हूँ। अरे क्या भाई, ले भाई खा, ले खा, ले भाई तू भी खा, तू भी क्या याद रखेगा भाई कि आज मेरी मौत होने वाली है, यानी कि किससे भाई तूने अटैक क्या किया भाई। या मैं एक और भाई की सोच रहा हूँ कि अर्जेंट टेपिस पर टेम करें भाई, क्योंकि हमको अर्जेंट टेपिस से भाई बहुत कुछ होने वाला है। एंड भाई फार्मिंग इतनी हो चुकी है गाइस, हम टेम कर सकते हैं क्या एक क्वेश्चन। तो यार नीचे जाता हूँ इधर कांटो सौरज, तो भाई इसे भी मुझे टीम करना है, बट भाई इसकी सड़क है मेरे पास, बट क्यों टीम नहीं कर रहा हूँ आई डोंट नो, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो मैं ऐसे काम मारता हूँ भाई, और ये किसको मार रहा भाई, तू अंधे है भाई, किसको मार रहा भाई, मतलब भाई कुछ दिख रहा है भाई, इधर रेपुटेशन भी हो भाई अपनी। तो ठीक है भाई देखो भाई जिसका हमला देखो भाई क्या ही है यार। तो यार रैप्टर की भी लेवल अप हो चुकी है भाई, 2x पहले से लगा था एंड अब हो चुकी है भाई इसकी लेवल अप। तो यार गाइस तो भाई आज के लिए इतना ही, तो अगले वीडियो में भाई मिलते हैं भाई वापस। तो यार मैं एक और बात बोलने वाला हूँ गाइस कि आप लोग यार लाइक कर दिए वीडियो को, एंड गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग एंड ऑसम वीडियोस के लिए। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।